तेजस्वी प्रकाश की एक हरकत से करण कुंद्रा को होती है काफी नफरत। करण कुंद्रा ने तेजस्वी को लेकर किया बड़ा खुलासा। हेलो, आप देख रहे हैं फर्स्ट इंडिया डेली, मैं हूं रजनी दुबे। करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश टीवी इंडस्ट्री के लविंग कपल माने जाते हैं। दोनों एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हैं, लेकिन करण कुंद्रा ने तेजस्वी को लेकर कुछ ऐसा खुलासा किया है जिसे सुनने के बाद फैंस भी काफ़ी ज़्यादा हैरान है। दरअसल करण कुंद्रा और तेजस्वी प्रकाश जो एक दूसरे पर भरपूर प्यार लुटाते हैं, अब करण ने तेजस्वी प्रकाश की एक आदत के बारे में खुलासा करते हुए बताया है कि तेजस्वी की इस आदत से मुझे काफ़ी ज़्यादा नफरत होती है। तो चलिए आपको बताते हैं क्या कुछ कहा है करण कुंद्रा ने तेजस्वी को लेकर। करण कुंद्रा ने एक इंटरव्यू में बताया कि तेजस्वी की कौन सी चीज़ उन्हें काफ़ी ज़्यादा नापसंद है और वो उससे कितनी नफरत करते हैं। करण ने कहा कि मुझे तो उसके बारे में नहीं पसंद है कि वो ये है कि वो कभी कभी राजनीतिक तौर पर बहुत गलत होती है और उसे इसकी कोई परवाह भी नहीं होती है। वो ये नहीं देखती कि कौन क्या सिचुएशन में है, उसे बस बोलना होता है। लेकिन मैं उसे ये स्वीकार करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, लेकिन बस इतना चाहता हूँ कि वो चुप रहे। करण आगे कहते हैं कि मैं तेजस्वी में कुछ बदलना नहीं चाहता हूँ, वो जैसी है वैसी मेरे लिए काफ़ी अच्छी है। वहीं करण कुंद्रा तेजस्वी प्रकाश की तारीफ भी करते हैं। भैया करना भी पड़ेगा, इतना बड़ा खुलासा किया है, उसके बाद तारीफ तो बनती है, नहीं तो तेजस्वी नाराज़ हो जाएंगी। करण कहते हैं कि मुझे तेजस्वी का बचपना काफ़ी ज़्यादा पसंद है, अगर आपने उसके ब्लॉग देखे होंगे। लेकिन बचपने के अलावा उसके अंदर एक बहुत ही स्ट्रांग वुमेन भी है, वो बहुत ही स्ट्रांग लड़की है। जब उसे मेरे लिए एक स्ट्रांग महिला बनना होता है तो वो भी करती है जो फैंस नहीं देख पाते हैं। वो बहुत सपोर्टिव है, मुझे उसमें ये चीज़ बहुत अच्छी लगती है। तो इस तरह से करण कुंद्रा ने तेजस्वी प्रकाश की हरकतों के बारे में खुलासा किया और ये भी बताया कि किस तरह से जब तेजस्वी प्रकाश बोलने लगती है और वो चुप नहीं होती है, उससे करण कुंद्रा को काफ़ी ज़्यादा नफरत भी होती है। इस पर आपको क्या कुछ कहना है, हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।